हाँ तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पहले देखो पहले सीखो की ओर से आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि दोस्तों, आप लोगों के प्यार और स्नेह की बदौलत जो है आज हमारा यूट्यूब परिवार जो है 2 लाख सब्सक्राइब पार कर चुका है। दोस्तों, ये तभी संभव हो पाया है जब आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट किया। आप देख सकते हैं हमारा यूट्यूब परिवार जो है 2,595 लोगों का हो चुका है, यानी कि 2 लाख जो है हमारा यूट्यूब चैनल 2 लाख सदस्यों का हो चुका है। दोस्तों, अब हमारे ऊपर 2 लाख जो भी लोग हैं जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, उन सभी 2 लाख लोगों की जिम्मेदारी मेरी बनती है कि मैं उनको जो भी अपडेट होती है बिल्कुल सही अपडेट दूँ और जो भी जानकारी हो वो सबसे पहले उनको बिल्कुल सटीक और बिल्कुल सत्य जानकारी मैं हमारे चैनल के माध्यम से उनके पहुँचाऊँ। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप जो है इसी तरीके से हमारे YouTube चैनल के साथ बने रहेंगे और इसी तरीके से हमारे चैनल को प्यार देते रहेंगे। दोस्तों, मैं भी आपको जितनी हो सकेगी इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो और बहुत ही बिल्कुल सत्य जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मैं उपलब्ध करा पाऊँगा। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप जो लोग हैं इसी तरीके से हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहेंगे और शेयर करते रहेंगे अपने दोस्तों के साथ, और अपने दोस्तों को भी आप हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़वाएंगे। आप लोग जो है ये आप लोगों का ही चैनल है, मेरा कुछ भी नहीं है। अगर आप नहीं होंगे तो मेरा कोई कुछ लेना देना नहीं है। दोस्तों, आप लोगों की सपोर्ट के माध्यम से ही हमारा जो पहले देखो पहले सीखो यूट्यूब परिवार है वो 2 लाख लोगों का भी 2 लाख लोगों से भी ज़्यादा हो चुका है। तो मैं आप सभी जितने भी लोग मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं उनको मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और आशा करता हूँ कि आगे भी मैं आपको इससे भी अच्छे कंटेंट जो है आपको उपलब्ध कराता रहूँगा। बस आप इसी तरीके से प्यार और अपनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनाए रखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पहले देखो पहले सीखो मौसम यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं मौसम विभाग को लेकर एक बहुत ही बड़ी बुलेटिन हमारे सामने निकल के आ रही है। जैसा कि आप सभी को दिखाई दे रहा है, अगले 48 घंटों में आएगी भारी बारिश। मौसम विभाग ने हाई अलर्ट जो है जारी कर दिया गया है। काफी क्षेत्र ऐसे हैं जिनके अंतर्गत मौसम विभाग ने चेतावनी जो है दे दी है। तो दोस्तों, किन किन क्षेत्रों में जो है मानसून अपना कहर दिखाने वाला है, किन किन क्षेत्रों में अगले 48 घंटों में भारी मात्रा में बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने एक बहुत ही बड़ी अपडेट के माध्यम से बताया है कि अगले 48 घंटों में किन किन क्षेत्रों में जो है भारी बारिश चक्रवात तूफान आने वाला है। तो चलिए, कौन सी अपडेट हमारे सामने निकल के आ रही है मौसम विभाग को लेके। तो दोस्तों, मैं वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आप सभी भाई बहनों से एक छोटा सा आग्रह करूँगा। इसी तरीके की मौसम विभाग से संबंधित पल पल की अपडेट अगर आप हमारे YouTube चैनल पहले देखो पहले सीखो के माध्यम से देखना चाहते हैं तो दोस्तों, इस वीडियो के नीचे आपको एक रेड सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको दबा के दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही दोस्तों, अगले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब के पास में एक छोटे से बेल का आइकन आपको दिखाई दे रहा होगा, उसको दबा के भी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। इससे ये होगा जैसे ही कोई भी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आएगी मौसम विभाग को लेकर, जो भी गवर्नमेंट की योजनाएं आएंगी उससे संबंधित वीडियो आप सबसे पहले हमारे YouTube चैनल के माध्यम से देख पाएंगे। और दोस्तों, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपके वीडियो के नीचे एक थंबनेल का निशान आपको दिखाई दे रहा होगा, उसको दबा के हमारी वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों मित्रों रिश्तेदारों मिलने वालों के बीच शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी जो है ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई इस वीडियो के माध्यम से मौसम विभाग की जानकारी पल पल की अपडेट जो भी इन्फॉर्मेशन आती है वो सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से फ्री में देख पाएं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं मौसम विभाग को लेके क्या बड़ी अपडेट हमारे सामने निकल के आ रही है। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप यहाँ पे स्पष्ट रूप से बता रखा है कि अगले 48 से 72 घंटे मानसून दे सकता है दस्तक, दिल्ली NCR में होगी झमाझम बारिश। तो दोस्तों, देख सकते हैं अगले 48 घंटों में जो है भारी मात्रा में बारिश आने की आसार नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं प्रादेशिक मौसम पूर्वानुमान केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव की माने तो बंगाल की खाड़ी में हवा के कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण हवाओं का रुख जो है अब दिल्ली की तरफ मुड़ता हुआ नजर आ रहा है। देख सकते हैं दिल्ली की तरफ से ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आ रही है नई दिल्ली JNN के माध्यम से मौसम अपडेट 2019, जहां एक ओर मुंबई महाराष्ट्र और गुजरात में मानसून की बारिश से कोहरा मचा हुआ है तो देश की राजधानी दिल्ली के साथ NCR के भी करोड़ों लोग मानसून की बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस बीच मौसम विज्ञान विभाग का ताजा पूर्वानुमान दिल्ली के साथ साथ पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश राजस्थान के करोड़ों किसानों के चेहरे पर मुस्कान ला सकता है,
क्योंकि मानसून जो है अगले 2-3 दिन में दस्तक दे सकता है। तो दोस्तों देख सकते हैं किसान भाइयों के लिए बहुत ही अच्छी खबर निकल के सामने आ रही है मौसम विभाग को लेके। माना जा रहा है कि दिल्ली में मौसम का इंतजार जल्द ही खत्म हो सकता है। अगले 48 से 72 घंटों में दिल्ली में मानसून जो है दस्तक दे सकता है। हालांकि इस बार हल्की बारिश के साथ मानसून जो है दिल्ली के अंतर्गत प्रवेश करेगा और झमाझम बरसात के लिए थोड़ा इंतजार आपको करना पड़ेगा। तब तक उमस में भी आपको परेशानी मिल सकती है, यानी कि उमस से भी आप परेशान हो सकते हो। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में मानसून पूर्व बारिश की संभावना काफ़ी कम है, लेकिन मानसून के लिए उपयुक्त माहौल जो है बन चुका है। अब जो है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से मानसून जो है दिल्ली की तरफ कूच कर रहा है। पूर्व की तरफ से आ रही हवा ने टेम्परेचर में जो तापमान है उसमें कमी कर दी है, इससे उमस से काफ़ी मात्रा में यहाँ पर राहत मिल पाई है। प्री मानसून से दिल्ली वासियों को मिलेगी बहुत ही बड़ी राहत। वहीं इस बीच मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को दिन भर बादल छाए रहेंगे, शाम को बारिश हो सकती है। इसमें न केवल गर्मी से राहत मिलेगी बल्कि अधिकतम टेम्परेचर जो है 38 डिग्री सेल्सियस तक आ सकता है। भारत मौसम विभाग IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक वर्तमान में पूर्व दिशा की ओर से चल रही हवाएँ जो हैं दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में मानसून को लेके आ सकती है। और इतना ही नहीं, मौसम विज्ञानियों पर यकीन करें तो अगले 72 या 48 घंटे में बहुत ही कम समय में झमाझम बारिश होने की यहाँ पे संभावना व्यक्त की गई है। जल्द बारिश से तरबतर होगी दिल्ली। देख सकते हैं मौसम विभाग ने यहाँ पे बताया है कि बहुत ही जल्द है 48 से 72 घंटे में जो दिल्ली है वो बारिश से तरबतर होगी। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक कुलदीप श्रीवास्तव की माने तो मानसून के दस्तक देने की कड़ी में बुधवार को बारिश के आसार बने थे और कुछ हल्की फुल्की जो है बारिश भी हुई थी। कुलदीप ने बताया कि पूर्व दिशा में चल रही हवाओं ने दिल्ली NCR में मानसून के अनुकूल वातावरण जो है तैयार कर दिया है। ऐसे में विंड सिस्टम अगले 72 घंटे में दिल्ली पहुँच जाएगा। इससे न केवल दिल्ली बल्कि हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के दर्जन भर जिलों में झमाझम बारिश का नज़ारा हमें देखने को मिलेगा। एक सप्ताह के दौरान पूरी तरह बदल जाएगा मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के मुताबिक अगले एक सप्ताह के दौरान दिल्ली NCR में बारिश और आकाश में बादल छाए रहेंगे, झमाझम बारिश भी हो सकती है। इससे पहले मौसम विभाग ने कहा था कि इस सप्ताह दक्षिण पश्चिमी मानसून जो है दिल्ली NCR में पहुंच सकता है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से जो है मानसून उठ चुका है और अब वो कम दबाव का क्षेत्र के कारण दिल्ली की तरफ कूच कर रहा है जो गहन हो रहा है। ऐसे में दिल्ली NCR में बारिश का अनुमान बिल्कुल सटीक निकलता हुआ नजर आ रहा है। देख सकते हैं बिल्कुल सटीक पूरा अनुमान जो है मौसम विभाग ने बताया है कि दिल्ली में कुछ ही घंटों में जो है बारिश होने की संभावना बताई जा रही है। बता दें कि दिल्ली NCR के साथ साथ उत्तर भारत के अहम राज्य जो हैं जैसे UP, हरियाणा, MP, राजस्थान, पंजाब में भी भीषण गर्मी का दौर चल रहा है, उससे भी लोगों को राहत मिल सकती है। इस बीच बारिश की राहत देख रहे हरियाणा, राजस्थान, पंजाब के साथ साथ दिल्ली NCR के करोड़ों लोगों को इंतजार हो रहा है मानसून का। तो दोस्तों अब जो है मानसून जल्द ही पहुंचने वाला है उत्तर भारत में। बहुत ही तीव्र मात्रा में भारी मात्रा में बारिश होने की संभावना मौसम विभाग द्वारा बताई जा रही है। मौसम विज्ञान विभाग के विशेषज्ञों के मुताबिक दिल्ली में मानसून के पहुंचने में थोड़ी देरी हो रही है, लेकिन अब जो है कुछ ही घंटों में मानसून पहुंचने वाला है। प्रादेशिक मौसम पूर्वानुमान केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव की माने तो बंगाल की खाड़ी से हवा का कम दबाव क्षेत्र बनते हुए जो पवने हैं दिल्ली की तरफ चल रही है। इससे बंगाल की खाड़ी में नमी भरी हवाएँ उत्तर प्रदेश होते हुए दिल्ली में प्रवेश करेंगी। इसके चलते बारिश होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बनती नजर आ रही है। दिल्ली में आमतौर पर मानसून के दौरान मूसलाधार बारिश 15 जुलाई के बाद होती थी, लेकिन इस बार जो है मूसलाधार बारिश जो है 20 जुलाई के बाद दिल्ली में झमाझम बारिश के आसार नजर आएंगे। देश भर में मानसून देरी के क्या क्या कारण है, किस कारण से मानसून जो है इस बार भारत में देरी से आया है, इसका क्या कारण है? तो दोस्तों सबसे पहला कारण, निम्न दबाव क्षेत्र ज़्यादातर बार मानसून जो है पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत की ओर बढ़ता है, लेकिन इस बार इसकी गति बहुत ही धीमी थी। इसके बाद इस साल शुरुआत से ही दक्षिण पश्चिम केरल में जो मानसून है देरी से पहुंचा है, तो इस कारण से भी इस बार जो है मानसून देरी से पहुंच रहा है। सबसे प्रमुख कारण है अल निनो का बनना। अल निनो के बनने के कारण या चक्रवात तूफान के कारण भी मौसम में खलल डली है।
विशेषज्ञों के मुताबिक चक्रवाती तूफान के असर से मानसून जो है उसकी गति जो है सुस्त हो चुकी है, यानी कि इसकी गति धीमी चल रही है। इसी के साथ साथ आंतरिक प्रायद्वीपों के चलने वाली दक्षिण पश्चिमी हवाओं भी अपनी दिशाएं बदल बैठी है। यही वजह है कि प्रायद्वीप मानसून की स्थिरता के चलते इसकी गति जो है थम चुकी है, यानी कि धीमी हो चुकी है, जिसके कारण जो है मानसून जो है इस बार काफ़ी लेट पहुंच रहा है। बारिश को तरस गई है दिल्ली। दोस्तों दिल्ली जो है बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रही है, क्योंकि बहुत ही भारी मात्रा में वहाँ पर टेम्परेचर पहुँच चुका है। देख सकते हैं जून ख़त्म होने के बावजूद भी प्री मानसून की बारिश का असर नहीं दिखा है। एक अनुमान के मुताबिक दिल्ली में 27 जून तक 47.2% बारिश होती थी, लेकिन इस बार जो है 6.3% ही बारिश हुई है, यानी कि लगभग 87% बारिश कम हुई है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी कम मात्रा में यहाँ पे बारिश हुई है। इस बारिश के न पहुँचने के कारण जो है मौसम जो बिजली ने एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है, यानी कि बिजली जो है बहुत ही भारी मात्रा में बिजली की खपत हो रही है। गर्मी से लोगों को राहत मिलने के कारण लोगों को बिजली की आवश्यकता हो रही है। देख सकते हैं आप पिछले साल 7000 मेगावाट बिजली की आवश्यकता हुई थी, लेकिन इस बार ये रिकॉर्ड टूट चुका है। 7600 मेगावाट बिजली की आवश्यकता जो है डिमांड है वो पहुंच चुकी है। देख सकते हैं आप ये जो एक नया कीर्तिमान रिकॉर्ड स्थापित हुआ है, बिजली की खपत जो है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में दिल्ली में हो रही है। इसको लेके भी बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही भारी मात्रा में बिजली की डिमांड लोगों को हो रही है। उमस और गर्मी से राहत लेने के लिए लोग जो है बिजली की डिमांड कर रहे हैं। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे बताया मौसम विभाग की जानकारी कि किन किन क्षेत्रों में जो है मौसम अपना कहर दिखाने वाला है मानसून। तो दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अभी लाइक करें। और दोस्तों जिन भाई बहनों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे हाथ जोड़ के आग्रह है कि अभी आपको इस वीडियो के नीचे रेड सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल का आइकन है उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों दोस्तों रिश्तेदारों के बीच शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है मौसम की जानकारी देख सकें हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से फ्री में। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।